महाराष्ट्र में बुलडाणा में सिंदखेड़ में दुर्घटना के बाद प्राइवेट बस में आग लग गई। कई लोगों की इस बस में लगी आग में जलकर मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा 26 तक पहुंच गया है। बता दें कि लगभग 32 लोगों के करीब लोग इस बस में मौजूद थे। घायलों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। बता दें की ये घटना बुलडाणा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे पर हुई है। बस में आग लगने से बड़ी संख्या में लोगों के मरने की आशंका है। वहीं पुलिस ने कहा है कि घायलों को अस्पताल जाया गया है। बुलडाणा के डिप्टी एसपी बाबूराव महामुनि ने कहा है कि बुलडाणा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर 32 यात्रियों को ले जा रही एक बस में आग लगने से कम 26 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई घायल हो गए हैं। घायलों को बुलडाणा सिविल अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है। हाँ, इसका जो इशू है कि ओवर स्पीडिंग का जो लगता है वो तो इसमें नहीं है। उसका कारंजा से यहाँ का डिस्टेंस है 152 किलोमीटर और उसके लिए उसका जो टाइम है वो 2 घंटे 20 मिनट का है। तो उसके हिसाब से एवरेज 72-73 की स्पीड आती है, तो बस की ओवर स्पीडिंग तो नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि जो मिडिल लेन से चलना चाहिए बस, वो एक्सट्रीम राइट लेन में आके ये पोल पर पहले धड़क होके फिर डिवाइडर पे कैसे आ गया। तो हमारे पर ये जो ये है कि पॉसिबिलिटी हम जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट ये कर रहे हैं कि वो स्लिप है व्हीकल की, और जब इम्पैक्ट हो गया इसमें एक डाउट ऐसा क्रिएट हो गया कि टायर बस की वजह से हो गया क्या। तो टायर बस नहीं है, इसका हम कुछ रीजन्स देते हैं। अगर टायर बस रहा तो उसके छिलके हैं वो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। नींद की क्यों पॉसिबिलिटी लगती है, तो उसके जो अगर ब्रेक मारा एक्सीडेंट के पहले तो उसके टायर इम्प्रेशन आते हैं, तो वो ब्रेक मारा नहीं ऐसा लगता है और स्लिप के इसमें वो एक्सीडेंट हुआ है ऐसा लगता है। पहला पोल पे, बाद में डिवाइडर पे, और डिवाइडर पे जब आ गए तो राइट साइड को उसका डीजल टैंक था वो डिवाइडर को हिट हो गया उसने, और आगे का जो पोर्शन है इंजन का उसमें भी गर्मी रहती है, इंजन हॉट ही रहता है। तो इंजन के और जो फ्यूल लाइन्स है डीजल टैंक से वो भी ये हो गए, टूट गई, उसमें से बर्निंग हो गई इंजन की, और बर्न पहले हो गया उसके टायर्स पूरे बर्नआउट हो गए हैं, और वो डिवाइडर क्रॉस करके जो 30 फुट का जो ये है डक्ट है डिवाइडर का, तो उसके आगे जाके जम ये हो गया, पलटी हो गई लेफ्ट साइड पर। इस चीज का बहुत मसला आ रहा, घटनाएं बहुत हो गई है अभी तक। हाँ, समृद्धि महामार्ग के तो स्पीड के लिए हमारे काउंसलिंग सिस्टम है, जो व्हीकल्स ओवर स्पीड करके आए हैं तो उसके लिए जहाँ पर एग्जिट होगा तो वहाँ हमारे आरटीओ डिपार्टमेंट से काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग में हमारे ऑफिसर 4 जगह पर 24 आवर्स है, उसमें नागपुर है, कारंजा है, औरंगाबाद है, और आगे भरवीर शिरडी पर हमारे अलग अलग 8 स्क्वाड है। तो टोटल फैमिली का तो वो काउंसलिंग का भी हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। सर आपका बोल जीते आरटीओ अमरावती, ये बुलडाणा के डिप्टी ऑफिसर और उसकी दोस्त राधिका खड़से, ये दोनों कल शाम को 7:30 बजे वर्धा से पुणे के लिए रवाना हो गए। उस और रवानी होने के बाद हमको सुबह पता चला कि ट्रैवल्स का एक्सीडेंट हो गया, और उसके वजह से हम घटनास्थल के लिए कुछ चौकसी के लिए हमारे कुटुंबीय के सदस्य वो घटनास्थल के लिए बुलाने के लिए रवाना हो गए, और वो आप पूछते वो हमको कुछ बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं करके। वहाँ क्या करती थी वो पुणे में? पुणे में ये दोनों भी लड़कियां जॉब करती थी। अभी घर में कौन कौन फैमिली है? और उनके घर में एक भाई, उसकी माँ और पिताजी, ये तीनों ऐसे उसके फैमिली के लोग हैं। अभी यहाँ से जो लोग गए उनसे कुछ आपकी बात हुई है, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो सवेरे जल्दी में निकल गए, वहाँ पहुँचते ही वो ट्रैवलिंग खत्म होती वो हमको कॉल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।